सर, क्या मामला है आपका? देखिए, ऐसा है कि मैं अखिल भारतीय मधेसी अवैध समाज का महामंत्री, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, और हमारे समाज के काफ़ी गरीब आशीष नाम का आदिश मधेसिया, जिसको 4:30 बजे मझौली गांव में, जो थाना हल्दरपुर से 50-60 मीटर दूरी पे है, उसको हथौड़ा से कूद के मार डाला गया। यह जघन अपराध, कई वहां के यादव बंधु हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, उनके द्वारा किया गया है। एडिशनल साहब जो अभी बात हुई, वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि 3 अपराधियों को गिरफ्तार किए हैं और 2 की तलाश है और 3 अज्ञात हैं। लेकिन वहाँ का एसओ जो है वह साक्ष्य मिटाने का अपराधियों से मिलकर साजिश कर रहा, और जिसको लेकर हम आज एसपी साहब को पत्र दिए हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, और जो वहाँ का एसओ है, थानाध्यक्ष, जो साक्ष्य मिटाने का प्रयास कर रहा है, उसके अगर ऐसा किया गया तो ये जोगी जी का जो अपराधियों के खिलाफ जो बुलडोजर की कार्रवाई है, कहीं ना कहीं वो कलंकित करेंगे, तो उनके अगर कलंकित करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो और निष्पक्ष जांच हो और अपराधियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं। ये मामला कब का है? कल रात, कल शाम 4:30 बजे की घटना है। 16 तारीख को शाम 4:30 बजे हथौड़ा से कूद के उनके दरवाजे पर मारा गया। बताइए, ये जघना अपराध या जो हथौड़ा से कूद के मारा गया सरेआम, जहाँ जोगी जी के नाम से और पुलिस प्रशासन के नाम से लोग डरते हैं, क्या निरंकुश हो गई है क्या उत्तर प्रदेश मऊ की जनता? क्या यहाँ के एसपी को दिखाई नहीं देता, यहाँ के पुलिस प्रशासन? इतने सबसे पहले परिचय बताएं। मैं गिरीश चंद गुप्ता, कहाँ के रहने वाले हैं? मधुबन के रहने वाले हैं और इस मधेसिया समाज के प्रदेश महामंत्री हैं और भाजपा में जिला उपाध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा के पद पर हैं। ये हमारे समाज के आशीष गुप्ता, लगभग 22 वर्ष उम्र है, मझौलिया के रहने वाले हैं, हल्दरपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है। इनको कुछ आपसी विवाद कह के बता रहे हैं कि विवाद में हथौड़ी, जो बड़ा हथौड़ी जो घन हो बोला जाता है, जिसको हथौड़ा नहीं उसको घन बोलते हैं, घन से इतना मारे, मार के उसको सर को कुचल दिया और कुचल करके उसकी हत्या कर दिए। इसमें 5 लोगों को पहचान हुई थी, जिसको नामजद रिपोर्ट दर्ज किया गया है। 3 अज्ञात हैं, उसमें से 3 गिरफ्तारी हो गई है, 2 अभी फरार हैं, 3 का इन्होंने खुलासा नहीं किया है। इसके बाद जो हल्दरपुर एसओ हैं, इस घटना में लीपापोती करना चाह रहे हैं। मैं सरकार से और पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि जो भी अपराधी इस तरह का जघन्य अपराध किए हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई से पहले उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर इस पर सुचारू रूप से निष्पक्ष जांच नहीं होती है, तो मधेसिया समाज जो संगठन है वो रोड पर आने के लिए बाध्य रहेगा। ये हम लोगों की चेतावनी सी समझा जाए।